वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेदाचार्य। हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय आयुष कामनी अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने इससे पहले 6 लेक्चर्स देख लिए हैं। अब हम 7th लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम चिकित्सा के चतुष्पाद और चिकित्सा के चतुष्पाद में जो भी चिकित्सक, रोगी, औषधि और परिचालक ये आते हैं, इनके भी चिकित्सा के 4 पाद। ये श्लोक और ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको इस लेक्चर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अष्टांग हृदय में 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन सीधा इसी पूरे आज का जो लेक्चर है ना उसी पे आ जाएगा। चिकित्सा के चतुष्पाद लिखिए और चिकित्सा के 4 पादों के भी 4 लक्षण लिखिए या गुण लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा और आपको 2 या 3 पेज लिखने पड़ेंगे इसमें। और पूरा 10 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये लक्षण बहुत अच्छे से याद रखना है और इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो भी सबके गुण बताऊंगी वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला श्लोक क्या है, चिकित्सा के 4 पाद। अगर आपको श्लोक याद ना रहे ना इस टॉपिक के, तो कोई बात नहीं है, सब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है श्लोक याद करना, लेकिन आपको जो अंदर का मटेरियल ना वो याद होना चाहिए और एग्जैक्ट वो जो जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो लैंग्वेज भी, क्योंकि वो वर्ड स्पेसिफिक होते हैं। कई बार क्या होता है, अलग अलग संहिताओं में सेम चीज़ बोली गई है लेकिन उसको डिफरेंट वर्ड यूज़ किया गया है उसके लिए, तो वो हमें याद रखना चाहिए कि इस किस संहिता में कौन से वर्ड का यूज़ किया गया है। इसलिए आपको इसमें जो भी आएंगे ना, जो भी वर्ड्स आएंगे आपको वो वर्ड्स याद रखने, वही पर्टिकुलर वर्ड याद रखने, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपको कैसे भी पेपर में, एग्जाम में। तो सबसे पहले चिकित्सा के 4 पाद, बेशक द्रव्य अनुपस्थता रोगी पाद चतुष्टय चिकित्सा से निर्दिष्टम प्रत्येक चतुर्गुणम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि जो चिकित्सा के चतुर्पाद है उसमें क्या आता है, पहला बेशक द्रव्य उपस्थाता और फिर रोगी, और 4 पाद ही हो गए, चिकित्सक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये चतुष्पाद चिकित्सा के चतुष्पाद हुई, ठीक है। अब इसमें सेकंड लाइन में बोला गया चिकित्सा से निर्दिष्टम प्रत्येक चतुर्गुणम, तो ये चार पाद है ना, इन 4 पादों का भी सबके 4 गुण बताए गए हैं अष्टांग हृदय में, ठीक है। तो आपको वो भी याद रखने हैं, लेकिन पहले आप चिकित्सा के 4 पाद याद रखिए। चिकित्सा के 4 पाद कौन कौन से, विशेष, विशेष मतलब वैद्य या चिकित्सक या डॉक्टर जो भी होता है, द्रव्य, द्रव्य औषधि या मेडिसिन, उपस्थाता नर्स जो बोलते हैं, नर्स या परिचालक जो भी पेशेंट की देखभाल करता है वो, और रोगी पेशेंट। तो अगर देखो, अगर चिकित्सक नहीं होगा तो भी चिकित्सा किस कौन करेगा, औषधि नहीं होगी तो चिकित्सा किस चीज़ से करी जाएगी, अगर नर्स नहीं रहेगी तो रोगी का ख्याल कौन रखेगा, ठीक है। और अगर पेशेंट ही नहीं होगा तो कहाँ से चिकित्सा होगी, किसकी चिकित्सा होगी। तो ये 4 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं चिकित्सा के लिए, तो ये आपको याद रखना है, भेषज, भेषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा श्लोक है चिकित्सा भेषक के गुण। चिकित्सक या भेषक के गुण मतलब डॉक्टर के जो उसके गुण या लक्षण होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, तो उसके 4 लक्षण हैं, दक्ष, तीर्थ, उत्तर, शास्त्रार्थो, दष्ट, कर्मा, सूची, भेषक। तो चिकित्सक के 4 गुण क्या कौन कौन से हैं, सबसे पहला दक्ष। दक्ष मतलब जो चिकित्सा वो कर रहा है, जिस कार्य को वो करना करेगा उसमें उसे कुशलता होनी चाहिए, कुशलता मतलब वो अच्छा होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, खाना पकाते हैं तो वो बोलते हैं ना खाना पकाने में एक कुशल है, कुशल का मतलब क्या है, वो अच्छी है, वो अच्छा काम करती है इसमें, उसे पता है कैसे करना है अपना काम। तो उसी प्रकार दक्ष का मतलब चिकित्सा क्या है, चिकित्सक जो डॉक्टर रहेगा वो अपने कार्य में कुशल रहेगा, उसको आएगा मुझे कैसे काम करना है, ठीक है। तीर्थ का मतलब क्या होता है कि उसने जो जिस चिकित्सक ने, जो डॉक्टर ने जो चिकित्सा ग्रहण की है उसे उसके बारे में नॉलेज है, फिर उसने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, ठीक है। बिना पढ़े तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या होता है, तो उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है, तीर्थ। फिर दष्ट कर्म मतलब अगर आप सर्जरी की बात करोगे, तो जैसे आप सर्जरी करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो थ्योरेटिकली, लेकिन आप जब तक उसको देखोगे नहीं आंखों से, जब तक आप डिसेक्शन नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी आर्टरी कहाँ है, कौन सी वेन कहाँ है, आप कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं बॉडी टू बॉडी। तो आपको ये पता लगाने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको डिसेक्शन करना ही चाहिए, तभी आप पता लगा सकते हो। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी डॉक्टर बनोगे आप तो आपको अगर काम
देखा हुआ है तभी आप कर सकते हो, पढ़ के सीधा आप किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दष्ट कर्मा होना चाहिए वैद्य, और सुची, सुची मतलब वो साफ, सुची मतलब पवित्रता से है या साफ सफाई से है। लेकिन यहाँ सुचि का मतलब सिर्फ बाहरी साफ सफाई से नहीं कि अच्छे कपड़े पहने या ना धो के रहे, ये सिर्फ इसका मतलब सुचि का मतलब यहाँ इससे नहीं है, सुचि का मतलब यहाँ मानसिक सफाई से भी है, मानसिक जो मेंटली क्लीननेस होती ना वो भी, जैसे कि वो हॉनेस्ट हो, जो डॉक्टर है वो ऑनेस्ट हो, ठीक है। अगर देखो डॉक्टर रहते हैं तो फीमेल पेशेंट को भी देखते हैं, हर पेशेंट को देखते हैं, तो उनके मन में कोई किसी के प्रति कोई ग्लानि ना हो, कोई घृणा ना हो, या कोई भी किसी से दुर्व्यवहार ना करे, मतलब अच्छे उनका मन अच्छा हो, ठीक है, तो वो पवित्र हो। तक कौन कौन होने चाहिए चिकित्सा के गुण, दक्ष, तीर्थ, दृष्टकर्मा और सुचि, ठीक है। आपको मैंने बोला था वर्ड टू वर्ड याद रखना है इसको, दक्ष याद रखना, तीर्थ याद रखना, दृष्टकर्मा ही याद रखना, सुचि ही याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है औषध द्रव्य के चार गुण। हम चतुष्पाद में कितने चतुष्पाद होते हैं, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य से मतलब है औषध या मेडिसिन से है, तो औषध या मेडिसिन में भी कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो औषध मेडिसिन में चार गुण होने चाहिए, बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग, औषधियम। मतलब बहुकल्प होनी चाहिए, कल्पना क्या होती है, आप जब सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कल्पना एक्चुअली क्या है। तो कल्पना क्या है, फॉर्म्स को चेंज करना, कोई भी आप किसी प्लांट से कोई भी आप मेडिसिन बनाते हो, तो आप वैसे देते हो सीधा पत्तियां दे देते हो खाने के लिए कि लोग खा लो पत्तियां, साफ या जड़ दे देते हो कुछ ऐसा, या तो आप उसका रस निचोड़ोगे या उसको कहीं उबाल के आप बोलते हैं काढ़ा बना के देते दोगे, या उसकी बट्टी मतलब उसकी टैबलेट बना के दोगे। तो ये टैबलेट बनाना, चूर्ण देना, या ये जो ये क्या होती हैं, सब कल्पनाएं हैं। तो किसी भी औषधि की जहाँ से आना कल्पनाएं हम बना के दे सके, तो वो औषधि, ये गुण औषधि में होना चाहिए। क्योंकि हम बच्चों को दें तो बच्चों को हम बट्टी नहीं खिला सकते सिंपल, उसके लिए काढ़ा या कुछ सिरप होनी चाहिए, ठीक है। तो हर औषधि में क्या होना चाहिए, अगर उत्तम औषधि है तो उसमें कई प्रकार से उसको कई फॉर्म्स में हम चेंज कर सके, ठीक है। बहुगुण, बहुगुण का मतलब क्या है कि उस औषधि में बहुत सारे गुण हो, मतलब वो एक औषधि कई कई डिसीज को ट्रीट कर सके, ठीक है। एक औषधि हम कई डिसीज में ट्रीटमेंट में दे सकें, ऐसी औषधि होनी चाहिए उसमें, ठीक है। संपन्न, संपन्न मतलब जो हमने जिस प्लांट से जो वो औषधि इकट्ठी की है, जो मेडिसिन इकट्ठी की है, वो प्लांट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पूरी उस मेडिसिन में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्लांट में काफ़ी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन हमने जो मेडिसिन बनाई उसमें तो उसके बहुत कम दो तीन गुण मिल रहे हैं, जबकि प्लांट में तो बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मैक्सिमम उसके जो गुण हैं, मैक्सिमम जो उसके रस हैं, वीर हैं, विपाक हैं, जिससे हम मेडिसिन को और इफेक्टिव बना सकें, वो होने चाहिए उसमें, ठीक है। योग्य का मतलब क्या है, योग्य का मतलब ये हुआ कि आप जिस रोगी को दे रहे हो उसको सूटेबल, उसको साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उससे कुछ भी। आपको वो जो मेडिसिन दोगे तो आपको देखना है कि किस पेशेंट को दे रहे हो, उसकी प्रकृति क्या है। जब प्रकृति आप आगे जब पढ़ोगे ना फिजियोलॉजी में और अष्टांग में भी बताया हुआ है प्रकृति के बारे में, तो मैं आपको आराम से एक अलग लक्ष्य बनाऊंगी प्रकृति के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकृति, मैं आपको बाद में बनाऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ ये कि प्रकृति, हर इंसान की अलग अलग प्रकृतियाँ होती है, ठीक है, दोषों के अनुसार और मेंटली भी, तो उसको दोष उसकी प्रकृति को भी सूटेबल होना चाहिए। जिस जगह पे वो रह रहा है, जैसे बहुत ठंडे देश में रह रहा है, आपने ठंडी औषधि दे दी तो अच्छा नहीं रहेगा। बहुत गर्म देश में रहता है और आपने गर्म गर्म औषधि दे दी तो उसको और डिसीज होंगी, डायरिया या लूज मोशन ये सब हो जाएंगे। तो आपको ये भी देख कर, मतलब उस रोगी को देखकर वो कहाँ रह रहा है, कैसा उसका आहार विहार है, उसका कौन सी अवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में या वृद्ध अवस्था है, आपको वो देखकर किसी औषधि को देना चाहिए। तो हम उस प्रकार से औषधि को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो ये गुण औषधि में होंगे तभी वो औषधि उत्तम औषधि मानी जाएगी। कौन कौन से गुण, बहुकल्प होने चाहिए, बहुगुण होने चाहिए, संपन्न होने चाहिए और योग्य होने चाहिए, ठीक है। परिचारक के चार गुण, परिचारक मतलब नर्स या उपस्थाता भी बोलते हैं, जिसे जो पेशेंट के आसपास हो उसका ख्याल रखे, तो उसके भी तो गुण होने चाहिए। अगर आप कोई बेवकूफ़ इंसान को बोलोगे कि जाओ वो पेशेंट है उसका ख्याल रखो, तो वो उसको पता ही नहीं क्या करना है कैसे करना है, वो तो पेशेंट मरा जा रहा है, वो अपना
समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। तो जो हम नर्स या जो परिचालक चुने वो भी उसके भी गुण होने चाहिए, उसमें भी ये चार गुण होने चाहिए। तो ये चार गुण क्या क्या हैं? अनुरक्त, सुचि, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारक का। मतलब अनुरक्त, अनुरक्त का मतलब क्या है? जो जिस पेशेंट को वो साथ में है, वो नर्स को उस पेशेंट से अच्छा व्यवहार होना चाहिए, कि हाँ हम पेशेंट के प्रति स्नेह होना चाहिए, कि उसे कोई भी मन में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, कोई घृणा या कोई भी जो उतना कि ये पेशेंट कैसा है, कहाँ से आया है, क्या करना है, या मतलब जो हेट कोई भी नहीं होनी चाहिए, सब स्नेह होना चाहिए कि हाँ मुझे पेशेंट को अच्छे से यहाँ स्वस्थ करके रखना है। ठीक है। तो फिर सुचि, सुचि का मतलब उसे भी साफ सुथरा होना चाहिए, दोनों। साफ सुथरा का मतलब वो जो भी कार्य करे उसे अच्छी तरीके से करे, मेडिसिन दे उसको प्रॉपर तरीके से दे, पेशेंट के आसपास सफाई रखे, तो ये सारे काम उसे आने चाहिए। दक्ष मतलब कुशल, वो भी अपने कार्य में कुशल होने चाहिए, कि जो भी परिचालक जो भी कार्य कर रहा है उसमें वो कुशल हो। ठीक है। बुद्धिमान होना चाहिए, आप किसी भी डफर को नर्स या कुछ परिचालक नहीं बना सकते, उसमें थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो इससे, मैं जो इसे खाना खिला रहा हूँ उससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो उसके बारे में उसे थोड़ा होना चाहिए, नॉलेज होने चाहिए। ठीक है। अब रोगी के चार लक्षण, अब रोगी के भी चार लक्षण क्या क्या हैं? तो आढ्यो रोगी, विषक, वैश्यो, ज्ञापक, सत्व, वानपी। ठीक है। तो आढ्य का मतलब क्या होता है? आढ्य का मतलब होता है कि धनवान, रिच हो, बहुत पैसे वाला हो। कि पैसे वाला क्यों बोला गया? रोगी को धनवान क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेडिसिन में खर्चा होता है, ट्रीटमेंट में खर्चा होता है। अब डिसीज़ भी डिपेंड करती है, कोई नॉर्मल डिसीज़ है तो उसमें कम खर्चा होता है, लेकिन कोई बड़ी डिसीज़ हुई तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। तो वो उसके लिए उसके पास पर्याप्त जो फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए जो भी पेशेंट के पास, कि मैं उसको ट्रीटमेंट करवा सकूं। ठीक है। विषक वैश्य मतलब, विषक को मतलब क्या होता है? डॉक्टर, उस डॉक्टर की बात मानने वाला होना चाहिए, डॉक्टर जो बोले वही करे, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं खाना है आपको और वही चीज़ खा रहे हैं, क्या मतलब है, डॉक्टर तो ऐसा ही, वो तो बाद में दवाई ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर की बात मानने वाला होना चाहिए। ज्ञापक होना चाहिए, ज्ञापक का मतलब क्या है? कि अपना जो उसे सुख दुख है उसको बताने लायक, मतलब कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे इतने दिन से बुखार आ रहा है, मुझे इतने दिन से सर दर्द हो रहा है, तो उसे ये बोलने लायक है, बताने लायक, समझा सके कि डॉक्टर को कि मुझे क्या हो रहा है। जैसे कि जो इन बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो बता नहीं पाते उनको क्या परेशानी है, तो इसकी वजह से कभी कभी डॉक्टर मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं कि उससे बीमारी क्या है। हमें वैसे तो लगा फीवर है, लेकिन उसे कहाँ दर्द हो रहा है, किस वजह से वो रो रहा है, उसका पता नहीं लगा सकते। लेकिन इसीलिए पेशेंट को जो है ज्ञापक होना चाहिए, वो बता सके कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है या मुझे क्या परेशानी है। और सत्ववान, सत्ववान का मतलब, सत्ववान का, सत्व का मतलब मन होता है, सत्व मतलब मन। तो मन से वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो मेंटली, कि कोई भी दवाई दी है तो वो दवाई मैं नहीं खा सकता, बहुत कड़वी है ऐसे, या कोई 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 भी थेरेपी करवानी हो तो उसका ये थेरेपी में डर लगता है। कई पेशेंट होते हैं वो इंजेक्शन से डरते हैं, कई पेशेंट को टैबलेट नहीं खा सकते कि नहीं कड़वी है मैं नहीं खा पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ मैं प्रोसीजर करवा सकता हूँ, मैं कोई भी थेरेपी ले सकता हूँ, तो जो भी चिकित्सा विधियाँ होती हैं उनसे डरने वाला नहीं होता। तो ये है रोगी के चार लक्षण है। ठीक है। तो आप, मैंने आपको चिकित्सा के चतुष्पाद, चिकित्सक के गुण, औषध द्रव्य के गुण, परिचालक के गुण और रोगी के गुण, ये सबके बताए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट एक और लास्ट वीडियो होगा फर्स्ट चैप्टर पे, तो उसमें असाध्य और असाध्य रोग के बारे में बताऊँ।